बदमाशों ने गाजियाबाद के पौष इलाके राजनगर में एक युवक की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी। उस युवक को तकरीबन 5 गोलियां लगी हैं, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बीती शाम आसिफ नाम का युवक कैलाभट्टा की चमन कॉलोनी में अपने घर पर मौजूद था, तभी शिवानी नाम की एक युवती उसे बुलाकर ले गई। दोनों राजनगर स्थित गौर मॉल के पास खड़े होकर के बातें कर रहे थे, तभी स्कूटी सवार तो बदमाश वहां धमके। जब तक आसिफ कुछ समझ पाता तब तक बदमाशों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वारदात को अंजाम देकर मौके वारदात से फरार हो गए। आसिफ खून से लथपथ होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। दिन दहाड़े गोलियां चलने से आसपास के इलाकों में भगदड़ मच गई। आसिफ को गोलियां लगी हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने खून में लथपथ आसिफ को आनन फान इलाज के लिए यशोदा अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत के भाई का आरोप है कि शिवानी ने ही अपने बॉस के साथ मिलकर आसिफ की हत्या कराई है। घर से बुलाया गया है, उसने शिवानी ने, एक लड़की शिवानी थी, उसने बुलाया गया है और बुलाने के बाद में उसके पीछे दो अज्ञात आदमियों से मर्डर करा दिया उसका। जो बॉस है उनके, उनसे मर्डर करा दिया। क्या नाम है बॉस का? शिवानी का दिनेश शर्मा नाम है। कहाँ की यह घटना है, किस जगह गोली? RDC में मारी है गोली। आसिफ की मौत को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बहरहाल वारदात की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आसिफ की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही कई तरह से कई नजरिए से इसकी जांच में जुट गई। पुलिस ने घटनास्थल से कारतूस के खाली खोखे भी बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में पुलिस की माने तो वारदात को किसी जानने वाले ने ही अंजाम दिया है, लेकिन जिस तरह सरेआम आसिफ को मौत के घाट उतारा गया उससे एक बात तो साफ है कि बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और पुलिस उनके सामने पस्त नजर आ रही है। हालांकि गाजियाबाद के एसपी सिटी आकाश तोमर का साफ तौर पर कहना है कि मौका मुआयना करते हुए उन्होंने कुछ सीसीटीवी के फुटेज खंगाले हैं, जिनके आधार पर बदमाशों के सुराग जल्द ही लगा लिए जाएंगे। लेकिन इस वारदात से तो साफ है कि बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद थे, जो इस घटनाक्रम को अंजाम देकर वहां से साफ बचकर निकल गए। हालांकि इस पूरे मामले को प्रेम प्रसंग से भी जोड़ कर देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि गाजियाबाद पुलिस इस पूरे मामले में क्या खुलासा करती है। गाजियाबाद के राजनगर इलाके से जितेंद्र भाटी, 9 News।